Hello everyone. Good evening to all. Good evening. Am I audible? हाँ जी भाई, सर आ रही हूँ मैं तुम लोगों को. चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. आती, सोमे, टीम, निष्ठा, अमन, प्रेम, प्रतीक, वेरी गुड इवनिंग. तो बच्चों, चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी आज हमें डिस्कस करना है. ऑल सेट? सब बच्चे एकदम तैयार क्विज के लिए? आपना रोहन, गुड इवनिंग. शुरू करते हैं फिर बिना समय बर्बाद किए. थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, कराऊँ मैं तो. क्या? चलो भाई, तो अब आपको दिखेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 12, चैप्टर नंबर 11. एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वीड्स फाइंड्स यूज इन. बच्चों, जो एग्रोज जेल है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साक्षी, सौम्या, शिवांगी, एग्रोज जेल को कहाँ यूज किया जाता है? चलिए, जतिन भारद्वाज जी की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 एकदम रटा हुआ है और आते ही एकदम सही उत्तर दिया है भाई ने. बहुत बढ़िया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी गुड. गुनगुन, नीरज, गुड इवनिंग. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. इन न्यूक्लियोसाइट नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू पेंटोज शुगर एट, बता दो. न्यूक्लियोसाइड में जो नाइट्रोजन बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड होता है, कौन से कार्बन पे? कम ऑन, कम ऑन एवरी वन, ट्राई योर बेस्ट, हरी अप. वेरी गुड आरती, साक्षी, जतिन, वेरी गुड. निष्ठा एकदम सही पकड़े हैं. हमें बच्चों, कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से अटैच्ड होता है नाइट्रोजन बेस, करेक्ट? चलो प्रति, बहुत अच्छे. रोहन, डॉली द फर्स्ट क्लोन मैमल, डॉली जो कि सबसे पहली क्लोन मैमल है, कौन से प्रोसेस से उसको प्रोड्यूस किया गया था, बताइए. कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो. चलो लेट्स सी कौन बता रहा है थर्ड का करेक्ट आंसर. Come on everyone, no, 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 that's not correct. No, Rohan, Jatin, na, सबका गलत है. याद रखना, न्यूक्लियर क्लोनिंग के प्रोसेस का यूज करके सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक शीप है, भेड़, डॉली, उसको बनाया गया था. करेक्ट आंसर होगा सी. ठीक है नीरज, रिप्लेसमेंट ऑफ जायगोट न्यूक्लियस बाय सोमैटिक न्यूक्लियस. चलो क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय, इवनिंग सौरभ, बताइए कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया? कम ऑन, ये तो बहुत ही इजी पीजी प्रश्न है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. कम ऑन विद्यार्थियों, हो जाए दो दो हाथ. कम ऑन, हालांकि ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. कम ऑन एवरीवन, लो बहुत अच्छे, काफी स्टूडेंट्स को आता है, वेरी गुड. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, सर एलेक्स जेफरी, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5, आपके सामने यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है जी ए ए टी टी सी और यहाँ पर है सी टी टी ए ए जी. इस सीक्वेंस में सबसे स्पेशल बात क्या है? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए. नीरज, भावना, गुनगुन, साक्षी, हरि अप, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? कम ऑन, ट्राई करो बच्चों. कुछ ही बच्चे आंसर दे रहे हैं. काजल जी, वेरी गुड. आलम, बहुत बढ़िया. व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं आता आंसर बच्चों, वेरी गुड. द
सही उत्तर है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मतलब अगर आपकी रीडिंग ओरिएंटेशन सेम रही 5 प्राइम से 3 यहाँ तक, और यहाँ पर भी 5 से 3 की डायरेक्शन में रीड करोगे तो वो सेम रहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, जैसे नितिन मैडम राइट, नमन वेरी गुड इवनिंग, अंकुश कम ऑन। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लीव्ड बाय, क्लीवेज कौन से सब्सटेंस का यूज करके होगी? कम ऑन आरती रवि वेलकम, बताओ। चलो कम ऑन आदित्य, क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग मुझे बता रहे हैं विच वन इज करेक्ट। कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। और ये बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं कुछ विद्यार्थी, जैसे कि सागर गुर्जर नोएडा वाले। ओके ओके वेरी गुड रवि निष्ठा। नो चलिए बच्चों, सेम एंजाइम से क्लीव करोगे आप अपने प्लाज्मिड को जिससे आपने अपने डोनर डीएनए को क्लीव किया था। ठीक है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इनमें से कौन से प्रोसेस में सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आती है? बताइए, बातें मत करो और क्वेश्चन का आंसर दो। चलो कम ऑन, इनमें से किसके अंदर सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आती है? वेरी गुड इवनिंग दीप्ति, कम ऑन एवरीवन, अरे आप चलिए बहुत अच्छे निक्की जी, सही उत्तर दे दीजिए बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ना नाइट्रो सेल्यूलोज के पेपर पर शीट पर आप अपने वीएनटीआर को डालते हो ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो सके, राइट? कम ऑन आंसी नाजिम गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, बताइए इनमें से किसकी डिस्कवरी के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट आई थी? कम ऑन एवरीवन, तो हमें सही पकड़े हैं, भारत माता की जय, सही उत्तर दे दो इसी बात पे। कम ऑन, लेट्स सी आप में से कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा है? कम ऑन, क्या बात है, बहुत सही, वेरी गुड। आपको पता है कोहेन एंड बॉयर वो दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाया था क्योंकि मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है नीरज, वेरी गुड। चलो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी? कम ऑन, सबसे पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी? आदि सागर भावना गुनगुन अरे आप नाजिम, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर बताएंगे, कौन बताएगा? तो पढ़ो ना सौरभ, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ो एनसीईआरटी को, एक क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बात है, वेरी गुड। हिंट दे देती हूँ मैं ऐसे करके, यही हिंट है बस। हेलो सेका गुड इवनिंग, अब भी नहीं समझे तो कुछ नहीं हो सकता यार तुम्हारा। चलिए करेक्ट आंसर है बच्चों बी यानी कि टोबैको। कम ऑन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन द डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, बताओ इथेनॉल बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयागराज किसका प्रयोग होता है? कम ऑन एवरीवन टीम शो, चलो अगर देगा बढ़िया हिंट देती हूँ मैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए, इथेनॉल बनानी, इथेनॉल दो घुट पिला दे साथिया, अब वो बनानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें? निक्की सिंह सही उत्तर क्या होगा? क्या बात, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, फन वाला, वेरी गुड। कमलेश जी बिल्कुल सही,
मोलेसिस की जरूरत होती है, जो गन्ना वगैरह है या बाकी फ्रूट से ना उनसे निकली हुई शुगर की। ये बच्चों वंदना कम ऑन, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी थी जीन? टेल मी, कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों वो जिन्होंने ये टर्म दी थी जीन? क्वेश्चन नंबर 11, सही उत्तर कौन देने वाला है बताओ? ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। अरे आप, मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, मैंने 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। साथ ही साथ बच्चों चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 22 तक क्लास 11th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे, फुल बायोलॉजी की क्विज हुआ करेगी, फुल बायोलॉजी की क्विज, तो बी रेडी। और जो बच्चे इस बार 12th में आए हैं उन बच्चों के लिए मैं जूम क्लासेस कंडक्ट करवाने की सोच रही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी, तैयार रहना। अरे अभिषेक जी सही उत्तर दे दो, सही उत्तर दे दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, जॉनसन। ठीक है ना, चले। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कॉल्ड ECO1। इसमें को का मतलब क्या है, CO का मतलब क्या है बताइए? कम ऑन एवरीवन, एक बार फटाफट से ऑप्शंस को रीड करो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 एंड द करेक्ट आंसर इज कोलाई। वेरी गुड, क्योंकि इश्वेरिया कोलाई जो बैक्टीरिया है हमने उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। ये बच्चों कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम जॉइंट्स ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट? कौन सा एंजाइम है जो ज्वाइन करता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को बता दो? अरे अब क्वेश्चन नंबर 13, कम ऑन एवरीवन, वेरी गुड, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। चेतना जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, नंदीश, निक्की, रोहन, नाजिम, वेरी गुड बच्चों। डीएनए लाइगेज ना, वेरी गुड, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। दिलशाद, मेरिस्टेम कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हॉर्टिकल्चर टू गेट, जब हम नए नए पौधों को, प्लांट्स को, फ्लावर्स को ग्रो करवाते हैं तो मेरिस्टेम कल्चर का यूज क्यों करते हैं, क्या ऑब्टेन करना है बच्चों हमें? चलो बताओ, कम ऑन ट्राई करो। कितने विद्यार्थी हैं जो सही उत्तर दे पा रहे हैं? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, नो नाजिम, इतना बहुत अच्छे। तो वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट, चलो। कौन सी स्टेटमेंट एकदम ट्रू है रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर बताइए? कौन सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बच्चों पीसीआर में यूज होने वाले डीएनए पॉलीमरेज के बारे में? कम ऑन आर्या, क्या सही उत्तर है बता दो बच्चों, विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 15, नो मानसी, क्वेश्चन नंबर 15 का बताओ। हाँ भाई सही कह रहे हैं, तुम कुछ वीडियोस को लाइक तो करो भाई, वीडियोस देखते हो तो कम से कम लाइक और शेयर तो कर दिया करो यार, यही दोस्ती यही प्यार, ये बात हो गई। अब चलो वीडियो को लाइक कर दो पहले, कम ऑन एवरीवन, गो फॉर इट, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, वेरी गुड, डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर काम कर। कम ऑन, प्लाज्मिड हैज बीन यूज्ड एज वेक्टर बिकॉज, बच्चों प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज क्यों करते हैं बताइए? पहले वीडियोस को लाइक करके आइए और फिर इसका सही उत्तर बताइए। कम ऑन अंजलि जी, विच वन इज करेक्ट? कम ऑन, वेरी गुड बच्चों, कुछ बच्चों को बिल्कुल करेक्ट आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड द करेक्ट आंसर इज
कौन? कम ऑन एवरीवन, आर्या, वेरी गुड। जो करेक्ट आंसर है सी ना कि बी। लिखा हुआ है इट इज अ सर्कुलर डीएनए व्हिच हैज कैपेसिटी टू जॉइन यूकैरियोटिक डीएनए। बिल्कुल सही बात है, यूकैरियोटिक डीएनए के साथ वो जॉइन कर सकता है, तभी तो हम इसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन आर मेड अप ऑफ। बताइए डीएनए को किसके साथ हम कोट करते हैं? कम ऑन अनिकेत, आर्ट एंड स्टडी, करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। डेल्सी, गुड इवनिंग। चलो ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो फिर आंसर बताओ। बच्चों वीडियोस को लाइक करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि, गोल्ड एंड टंगस्टन, वेरी गुड बच्चों। कम ऑन सोमे, द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वॉल फ्री या फिर नेकेड प्रोटोप्लास्ट आर। कौन से एंजाइम्स की जरूरत होती है वॉल फ्री या फिर नेकेड प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करने के लिए? चलो सब बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कम ऑन, अगर ये याद है ना आपको कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है तो तुरंत आंसर पता चल जाएगा, है ना? क्योंकि हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना है। जगराज, अगर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज या पैक्टिन से बनी है, तो यहाँ पर सेल्यूलेज या पैक्टिनेज का यूज कर सकते, है ना? कम ऑन, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। वेरी गुड इवनिंग नीति, करेक्ट आंसर बताइए बच्चों। कम ऑन शिवांगी, ऑप्शंस को रीड करो। चलो ऑप्शंस को पढ़ो। वेरी गुड आर्या, कम ऑन एवरीवन, करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का। दीपक जी, वेरी गुड इवनिंग। अनिकेत, मैं क्लास 11th या 12th के लिए कौन सी बुक रेफर करूंगी? टुगेदर विद इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जब आप एक बार चैप्टर को रीड कर लोगे ना, उसके बाद आप उसमें से क्वेश्चन आंसर्स कर। ऐसे मैं आपको बताऊं, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी? मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल रखी है, तो आपको क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, है ना? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें से नोट्स भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी। क्यों बुक खरीदनी आप लोगों को? ठीक है चल बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है बी। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके ट्रांसजेनिक माइस बनाया, और ये जो ट्रांसजेनिक माइस होते हैं वो पोलियो की सेफ्टी में बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, वैक्सीन्स की सेफ्टी में। क्या? कम ऑन, इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर। बताइए, ऑप्शंस को रीड करो। चलो कम ऑन एवरीवन, ऑप्शंस को रीड करो एक बार। दीपक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। मेरा दूसरा चैनल है बच्चों आफ्टर स्कूल के नाम से, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ये बच्चों कम ऑन, ऑप्शंस को रीड करो। नो माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर बी नहीं है आशीष, करेक्ट आंसर है ए। तो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ना डीएनए के, दीज आर कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। ठीक है, इसको रट लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी ही करेक्ट करके आते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है निकी, चलो अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन। वेरी गुड इवनिंग पलक। तो मैं आपको बता दूं बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है
कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जनरली बैक्टीरिया का यूज करना टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है वो तो कम करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सूडोमोनास। यहाँ पर ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन अगर आपसे बायो वेपन करके पूछा जाएगा ना, तब आप ऑप्शन डी बताना। ठीक है बच्चों, तब आप क्या बताएंगे? ऑप्शन डी बताएंगे, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। राइट, कम ऑन। द वेक्टर फॉर टी डीएनए इज, बच्चों टी डीएनए को इधर से उधर कौन पहुंचाता है बताइए, वेक्टर कौन सा है टी डीएनए का? ट्राई करो सभी बच्चे, कम ऑन एवरीवन। टी आई प्लाज्मिड किसके पास प्रेजेंट होता है? उसी का ही टी डीएनए होगा। चलो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। और डेल्सी एकदम सही उत्तर देते हुए, वेरी गुड। आदित्य ने भी सही आंसर दिया, ईश ने भी, आर्या, बस एंड सागर एंड भावना। चल वेरी गुड रोहन। बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, जिसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है, वेरी गुड नेहा, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। और इसके अंदर टी आई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स की रूट्स में इंफेक्शन करता है, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड निकी, वेरी गुड, कम ऑन एवरीवन। सोमा क्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन प्लांट्स, कब होती है बच्चों ये सोमा क्लोनल वेरिएशन? यस सौरभ, वेरी गुड। नहीं निकी, बिल्कुल देख रही हूँ। चलो और भी क्वेश्चंस के सही आंसर बताओ, कम ऑन। सोमा क्लोनल वेरिएशन, बहुत अच्छे पलक, एलसी, केडी, कम ऑन एवरीवन, अंजलि, वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड रोहन। बच्चों टिश्यू कल्चर के थ्रू रेज किया जाता है, रेज्ड इन टिश्यू कल्चर। सोमा क्लोन का मतलब है, देखो क्लोन्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जिन जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, है ना, और सोमा का मतलब है सोमैटिक सेल। तो टिश्यू कल्चर में यही तो होता है, प्लांट के किसी पार्ट को निकाल देते हैं और न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। वेरी गुड सुमित, कम ऑन बच्चों। बीटी कॉटन की कुछ खासियत है, क्या होती है वो खासियत? बीटी कॉटन की कुछ खासियत है जो आपसे पूछी गई है वो बताइए, कम ऑन। Which one is the characteristic feature of BT cotton? And correct answer कौन दे रहा है? Very good बच्चों, Pokemon, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Very good रोहन, शिवांगी, सुमित, Very good, सिम, सागर, बच्चों बिल्कुल ठीक है। High yielding होता है ये, और बॉल वॉर्म से रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, बॉल वॉर्म से रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वेरी गुड अंकुश, कम ऑन गुनगुन, पलक, वी गो। बच्चों न्यूक्लियोसाइड्स किस किस से मिलकर बने हैं? न्यूक्लियोसाइड्स बताइए, क्योंकि आर्या उस वाले में लिखा हुआ था कि ये कुछ केमिकल्स को सिक्रीट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसके अंदर वो हमने पाउडर डाला इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, तो वो ऑलरेडी उनके सभी सेल्स में प्रेजेंट है। क्या नो रजनीश, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इन चारों दिन में आती हूँ ना? हाँ हाँ नीरज, तुम ही दे दो एक आधे। चलो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? ऑप्शन डी, जब भी एक नाइट्रोजिनस बेस एक शुगर के साथ जुड़ेगा तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और जैसे ही इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, बताओ इनमें से कौन सा है जो इंटरनल फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइज करता है? यस जेडी प्रोडक्शन,
दिस इज अ लाइव क्लास. कमॉन बच्चों, ऑप्शंस को रीड करो और करेक्ट आंसर बताओ. चलो वेरी गुड रजनीश, नेहा, नाजिम, क्या बात है. कमॉन एवरीवन, ट्राई करो, करेक्ट आंसर बताओ. यस, तो में होती है, बिल्कुल होती है. चलो बच्चों, एंडोन्यूक्लियस, वेरी गुड ना. इन अ डीएनए बोला है, ठीक है, इंटरनल बॉन्ड की बात हो रही है, इसीलिए एंडोन्यूक्लियस, राइट. कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27. द एंजाइम एम्प्लॉयड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग पीसीआर इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम. वो एंजाइम जो हम पीसीआर में यूज करते हैं वो कहां से मिलता है, चलो बताओ. कम ऑन एवरीवन, सोचो ऑप्शन. सौरभ ने बोला है, अर्ज किया है कि अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो. अर्ज किया है अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो, ये ऐसे नहीं मानेगा मैडम, 100 नंबर डायल करो. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पढ़ाई पे ध्यान दे लो जरा. चले मौन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, सही उत्तर बता दो फटाफट से. और काफी बच्चों को करेक्ट आंसर पता है, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस. और जो एंजाइम होता है बच्चों वो क्या है, टैक पॉलीमरेज, ठीक है ना. चलो यहाँ पर बच्चों आपको अजर्शन और रीजन दिया हुआ है, एक बार अच्छे से इसको पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए. कम ऑन सोचो, कम ऑन जेडी बच्चों, वीडियोस को लाइक किया करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैला दो एकदम, वायरल कर दो, वायरल. कम ऑन एवरीवन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ जीन क्लोनिंग इन मैमल्स, व्हाट इज बार बॉडी, फुल एक्सप्लेनेशन. देखो भाई, जीन क्लोनिंग का मतलब है, जीन क्लोनिंग का मतलब है जैसे पीसीआर होता है ना, एम्पलीफिकेशन करते हैं, किसी भी एक डिजायरेबल डीएनए के सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज बनाना है ना. मान लो हमें इंसुलिन चाहिए, कमी हो गई इंसुलिन की, तो हम क्या करेंगे, किसी हेल्दी व्यक्ति से उसका जीन निकाल लेंगे इंसुलिन वाला और उसकी क्लोनिंग करवाएंगे, ठीक है. और बच्चे बार बॉडी का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप बात करो कि नॉर्मल ह्यूमन फीमेल की, उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से 1 माइनस कर दो, उतनी बार बॉडी प्रेजेंट होंगी. तो फीमेल में 1 बार बॉडी हो गई, राइट. बट मेल के पास तो एक्स वाई है, मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें से भी 1 माइनस कर दोगे तो 0 बचेगा, मेल के पास बार बॉडी नहीं होती है बच्चों. चलिए आगे बढ़ रहे हैं आरती, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है बच्चों ए. प्लांट टिश्यू कल्चर में सोमैटिक एम्ब्रियो किसी भी प्लांट सेल से बना सकते हैं, बात है, कोई भी वायबल प्लांट सेल आगे चलकर सोमैटिक एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट कर जाता है, बिल्कुल सही, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 29, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नाइट्रोजीनस बेस और बेस पेयर ऑफ डीएनए, बताइए बताइए नाजिम, करेक्ट आंसर क्या है. चलो क्वेश्चन नंबर 29, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आप लोगों से पूछा है, बिल्कुल नीरज, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है बच्चों आपसे. ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, और यहाँ पर टोटल एक पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, राइट. आपसे पूछा है दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, हमेशा याद रखना पूरे पिच में 34 एंगस्ट्रॉम था, तो क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 बेस पेयर है, 34 को 10 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3.4. क्लियर हो गया बच्चों. चलिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ से ऑब्टेन करेंगे बताओ,
चलो करेक्ट आंसर बता दो। अभिनव कम ऑन, गुड। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर नो विपुल जी, नो आर्या, दैट्स रॉन्ग। सब बच्चे बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं, वेरी बैड। सैम हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन की बात, वेरी बैड वेरी बैड। बच्चों सिर्फ सागर ने सही उत्तर दिया, दैट इज बी, बैक्टीरियल सेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है जो कि उनको बचाती है बैक्टीरियोफेजेस से। ठीक है प्रियांशु, थैंक यू। बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल एंजाइम्स बनेंगे जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? बैक्टीरियोफेजेस से। एंड दीज स्पेसिफिक एंजाइम्स आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, है ना। अब तक लगभग कितने 900 के आसपास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने ऑप्टेन कर लिए हैं, है ना, बैक्टीरिया की अलग अलग वैरायटी में से। ठीक है तो करेक्ट आंसर बी है, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 31, पीसीआर प्रोसीड्स इन थ्री डिस्टिंक्ट स्टेप्स। ऑर्डर क्या होता है पीसीआर के तीनों स्टेप्स का? कम ऑन सत्यम जी, सही उत्तर बताइए। कमऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 31। आदित्य वेरी गुड, विपुल सही बात है, सोमे बिल्कुल सही बात है। कमऑन सौरभ, प्रिया ट्राई करो बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर अनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब सिंथेसिस, राइट। कम ऑन बच्चों, ए के गेमर करेक्टली मैच बताओ बेटा, करेक्टली मैच कौन सा है? चलिए ऑप्शंस को रीड करो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी गुड इवनिंग हर्ष। तो विच वन इज करेक्ट? और सही उत्तर है, बहुत अच्छे, नो आघव, दैट इज सी। चलो बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ये एग्रोबैक्टीरियम बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए, स्टेरिलाइजेशन ऑफ टिश्यू कल्चर मीडियम इज डन बाय। बच्चों टिश्यू कल्चर मीडियम को स्टेरलाइज कैसे करते हैं आप लोग? कम ऑन ऑप्शंस को रीड करो। आर्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीडियोस को लाइक करो भाई, स्टाइलिश राजा, वीडियो को लाइक तो कर दो। कम ऑन एवरीवन एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। चलो करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा आंसर करेक्ट है बच्चों? मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का सी, ऑटोक्लेविंग ऑफ मीडियम एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। ऑटोक्लेव एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, और जैसे बॉईल करते हैं ना हम किसी चीज़ को, स्टेरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव में हो जाता है। ठीक है चलो ये बताओ, इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा सकता है? बताइए बच्चों, ऑप्शंस को रीड करो। कम ऑन बच्चों, बातें मत करो और आंसर्स दीजिए। चलिए कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 34 एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी से है, फिर से अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, ट्राई योर बेस्ट।
और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे कुछ बच्चे, दैट इज ऑप्शन डी, जी ए ए टी टी सी है ना, और ये इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और हमेशा कट लगता है बच्चों जी और ए के बीच में। ठीक है, कम ऑन, अजर्शन और रीजन आपको दिया हुआ है, एक बार बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। बच्चों एक लिंक मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, दिस इज माई अनदर यूट्यूब चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट। कम ऑन एवरीवन, गो फॉर इट बच्चों, मैंने लिंक शेयर किया आपके साथ, अभिनव जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कम ऑन एवरीवन, और फिर इसका सही उत्तर देना है आप लोगों को। चलो एलसी केडी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैंने लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ। कम ऑन मानसी, कम गो फॉर इट। चलिए, और बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अजर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। कैसे लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यीस्ट के अंदर भी डाल देते अपना डीएनए, ये बात तो कहीं नहीं बताई मैंने आपको, हम तो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, यीस्ट के अंदर तो नहीं डालते हैं ना। चलो फिर लिखा है दोनों ही, मतलब बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों के अंदर बहुत ही जल्दी ह्यूमन, सॉरी जो पॉपुलेशन है वो डेवलप या डिवाइड कर जाती है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग है ना, इसलिए डी होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन टर्म इंट्रोड्यूस की थी, बताइए। थैंक यू दीप्ति, बाकी बच्चे भी जाके सब्सक्राइब कर दो। नो सागर, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। चलिए अगर ऐसा होता ना सागर, तो हम अपने डिजायरेबल जीन को यीस्ट के अंदर भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते थे ना। कम ऑन एवरीवन, तो में इस लाइन का मतलब है कि जो लाइगेशन होते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना, वो ब्लंट एंड में भी कर सकते हैं, ब्लंट एंड तब बनते हैं जब डीएनए को बीच में से काटा जाता है, ठीक है, उनको भी जोड़ा जा सकता है, लाइगेट किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, करेक्ट आंसर है बी, एस बेंजर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन, बताइए। प्रिया सौरभ आरती पढ़ाई पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन, कम ऑन एवरीवन, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ बच्चों आपके साथ, दिस इज माय अनदर चैनल, ऋतिक जी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। कम ऑन एवरीवन, नेहा गो फॉर इट, और बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। चलो ये नाइट्रोजन बेस विच पेयर विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे कौन से नाइट्रोजन बेसिस हैं जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कम ऑन एवरीवन, निष्ठा दीपक डेलसी गो फॉर इट, और एकदम सही उत्तर बता दो कौन सा करेक्ट है। कम ऑन बच्चों, टेल मी विच वन इज करेक्ट। अरे वाह, काफी बच्चों को आंसर पता है। चलिए वेरी गुड बच्चों, एडिनिन एंड थायमिन ये दोनों डबल बॉन्ड बनाते हैं। उषा जी गुड इवनिंग, थैंक यू शिवांगी। बच्चों अगर एक डीएनए के स्ट्रैंड में 35 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, बताइए। राहुल जी अगर 35 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। हंसी गुप्ता, कम ऑन टेल मी, कम ऑन डेल्सी, नो दैट्स नॉट करेक्ट, वेरी गुड भावना। कम ऑन बच्चों ट्राई करो, वेरी गुड इवनिंग राहुल, थैंक
एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ए। बच्चों टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में से 1 माइनस कर दो, उतने ही बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होंगे। एक बात सोचो, अगर यहाँ पर अमीनो एसिड्स हैं, इफ वी हैव 4 अमीनो एसिड्स, बेटा ये चारों अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होंगे, है ना? कितने बॉन्ड प्रेजेंट है इनके बीच में, जरा गिन के बताना। आदि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इनके बीच में? 3 बॉन्ड्स हैं। तो हमेशा याद रखो, 4 अमीनो एसिड थे तो 3 बॉन्ड आ गए, राइट? बिल्कुल वैसे ही अगर 35 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो एक माइनस कर दो, 1 माइनस करो तो 34 यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये बच्चों लाइफ प्रोग्रेस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वसीक। अब तो सबको समझ आ गया ना, क्लाउड ऑफ ड्रीम। वेलकम बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 40। इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड बाय, बताइए। लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड बाय, कम ऑन बच्चों। अनिकेत, क्लास 11 के मोस्टली 13 चैप्टर तक मैंने वीडियोस नोट्स डाल रखे टेलीग्राम ग्रुप में, एक बार आप फिर से चेक करो। चलो तो करेक्ट आंसर क्या है 40 का? दीपक कुमार, ऋतिक नून, क्लाउड ऑफ ड्रीम। बच्चों मेरा दूसरा चैनल है आफ्टर स्कूल के नाम से, आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू ऑल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट। आपको वहां पर 10th के लिए साइंस और इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ 11th 12th की इंग्लिश, ठीक है? तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट। चलो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बी, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। वेरी गुड, कम ऑन। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस, बताइए। राहुल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है? तो टेलीग्राम का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। हेलो अनूप, गुड इवनिंग। चलो बच्चों 41 का करेक्ट आंसर बताओ। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कम ऑन। वेरी गुड मानसी और मानसी गुप्ता एंड नेहा, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। अंशिका, वेरी गुड। अंजलि, चलो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था लाइफ प्रोग्रेस, वेरी गुड। बैक्टीरिया के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डेवलप करते हैं जो कि उनको वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेजेस से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना? चलो ये बताओ, मैसेंजर आरएनए की कंपोजिशन कितना होता है किसी भी सेल के अंदर? चलो करेक्ट आंसर बता दो, कम ऑन। विच वन इज करेक्ट? काफी कम होता है वैसे बच्चों, काफी कम होता है। कम ऑन एवरीवन। नो गुनगुन, दैट्स रॉन्ग। नो बच्चों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 से 5% तक। वेरी गुड आती निष्ठा, वेरी गुड, ठीक है दीपक। चलो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए मिलता है बच्चों? मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है पता है आपको? हाँ, सबसे ज्यादा मिलने वाला आरएनए कौन सा है? टेल मी, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, वेरी गुड अमित। चलिए, नो अनूप, आर आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, कम ऑन। दी कोडोन्स विच में प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए के 3 प्राइम एंड पर कौन सा कोडोन प्रेजेंट होता है? कम ऑन एवरीवन, ऑप्शंस को पढ़ो एक बार और सही उत्तर बताओ। चलो कम ऑन, वंशिका, सागर, सिर्फ कुछ ही बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। डेल्सी, वेरी गुड। गुड इवनिंग सुभाष, आप लेट हैं। गुड
चलिए नेहा, बहुत अच्छे दीपक। बच्चों मानसी कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ दीज, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैसेंजर आरएनए में ये 5 प्राइम एंड होगा, जहां पर इनिशिएटर कोडोन आता है, स्टार्ट कोडोन, और ये 3 प्राइम एंड होता है जहां पर स्टॉप कोडोन्स आते हैं, और क्योंकि ये तीनों ही स्टॉप कोडोन्स हैं, इसलिए आंसर होगा डी। ये बच्चों, मौन बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बताओ। मैडम प्लेस आंसर गैप बिटवीन टू। बच्चे एक बात बताओ, 100 में मैंने नैनोमीटर तो बोला ही नहीं मेरे भाई, मैंने तो क्या बोला था, एंगस्ट्रॉम बोला था। ठीक है, पहले आप अच्छे से देखो मैंने क्या बोला है, एंगस्ट्रॉम बोला है बच्चा, मैंने नैनोमीटर बोला ही नहीं, 34 एंगस्ट्रॉम बोला था ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ। अ टेक्निक ऑफ यूजिंग वेरी स्मॉल मेटल पार्टिकल कोटेड विद डिजायरेबल जीन इन द जीन ट्रांसफर इज कॉल्ड, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, वो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, किसी सेल के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए, जिसको हमने गोल्ड या टंगस्टन पर कोट किया हुआ है ना, बम्बार्डमेंट करवाते हैं बच्चों, प्लांट सेल में ये होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज बायोलिस या जीन गन। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलिए करेक्ट आंसर बताओ। द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोमल एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्लीट सेट ऑफ जीन क्या कहलाते हैं, कम ऑन, वेरी गुड बच्चों, ट्राई योर बेस्ट। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, दिस इज माई अनदर चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट। बच्चों दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और वीडियोस को लाइक भी। यस अभिषेक, मैंने प्लेलिस्ट में नीट के लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं वहाँ पर, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है ना। हेलो, वेरी गुड गुनगुन। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, जीनोम, जीनोम का मतलब होता है टोटल जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो क्रोमोसोमल हो या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है, तो दिस इज ऑल, थैंक यू लाइफ प्रोसेस, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, थैंक यू अभिषेक। अब हम मिलेंगे थर्सडे को, और थर्सडे को फुल बायोलॉजी का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है, देन प्रैक्टिस पेपर, जो क्विज आप लोगों को मैं करवा रही हूँ वो पढ़ो, ठीक है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, प्लीज लाइक द वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और बेटा जो मैंने लिंक आप लोगों को दिया है, 45 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर लाइव हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया बच्चों आप लोगों के साथ, ऑल दी वेरी बेस्ट। अब हम थर्सडे को मिलेंगे फुल बायोलॉजी के मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है जी। थर्सडे को फुल बायोलॉजी का मॉक टेस्ट होगा, तब देखूंगी आप में से कितने बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना, अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। जय हिंद निष्ठा, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।